हे गाइस, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। अभी हैप्पी न्यू ईयर नहीं हुआ है, आज रात को है, बट जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक हैप्पी न्यू ईयर हो चुका होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली, आपका नया वर्ष बहुत ही बढ़िया जाए। फिलहाल न्यू ईयर मनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ वायनाड में, और मैंने जिस प्रॉपर्टी में रुकने का डिसाइड किया है उसका नाम है विस्तारा रिजॉर्ट्स। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया उम्दा लोकेशन पर रिजॉर्ट सिचुएटेड है। आपको एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, जिसके पीछे एक बैक वाटर लेक है, और जिसके पीछे एक माउंटेन है। तो आप अगर हिल स्टेशन सोचते हो और आप चाहते हो वैसा बिल्कुल कोल्ड हिल स्टेशन ना जाना, तो वायनाड एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो हम रुके हैं विस्तारा रिजॉर्ट में, और रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे काफ़ी आज फंक्शन होने वाला है न्यू ईयर इवनिंग को लेकर के। तो आई विल कीप यू पोस्टेड और क्या क्या होता है। हमने बेंगलोर से करीब सुबह में 5:30 अराउंड स्टार्ट किया था जर्नी अपना, एंड आराम से खाते पीते रुकते रास्ते में हम पहुंच गए थे करीब 1 के आसपास, और देन 1 बजे आए, लंच किया, सबको ज़ोर से भूख लगी थी, उसके बाद हम सो गए। अभी फाइनली शाम को सब लोग उठे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, और अब शाम को पार्टी करेंगे। सो दैट्स द प्लान। मैं रिजॉर्ट्स के ड्रोन शॉट्स और रूम के वीडियोस सब्सिक्वेंटली डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और आप वायनाड आ करके अगर इस रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इन माय ओपिनियन यू कैन डेफिनेटली स्टे हियर। I take one of the ball, man, very clearly, right? And one of the ball, I put deep down into my pocket, one into my hand, one into my pocket. But achu, if I tap, what happened? The first ball comes, the second ball comes, and the third ball comes. All the three balls come back again. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, और उसके पहले आपको हम रूम टूर करवा देते हैं। तो हम जिस रूम में रुके हैं उसको सुपीरियर रूम बोलते हैं ये लोग, बिकॉज यहाँ से सामने बिल्कुल लेक फेसिंग व्यू है। मैं आपको दिखाऊंगा रूम से। तो हम 3 के ग्रुप में आए थे, तो हमने 3 रूम बुक कर रखा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 502, 503 और 504 अपना है, और ब्रेकफास्ट और लंच हम ऐसे यहाँ पर कम्बाइन करके कर ले रहे थे। पार्किंग में आप देखो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो हैरियर और अल्काज़ार दोनों अपनी हैं। तो यही 2 गाड़ियों से हम आए हैं, 6 लोग, और देखो अपना है 504। तो आपको दिखाते हैं रूम कैसा है। तो ये है बाथरूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और फिटिंग्स बहुत प्रीमियम है, लाइक जैगवार के फिटिंग्स हैं और ग्रोही का सिस्टम है। वाटर प्रेशर बहुत अच्छा है और हीटर इनेबल्ड है, तो एनी टाइम आपको गर्म पानी का चाहिए तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये रहा अपना रूम, यहाँ ज्वाला रेडी हो रही है चेकआउट करने के लिए। बेड तो आप जानते हो, हम कचरा कर ही देते हैं, जा रहते हैं। इधर टीवी है, एसी चली रही है, एसी बंद कर दो। और ये देखो व्यू, जिस बात के आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो इस रूम के आप ऐसे मजे ले सकते हो, आराम से बैठो, नज़ारे एंजॉय करो। तो अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि जाने के पहले एक बार एडिकल केव्स घूम लेते हैं, क्योंकि ये जो रिज़ॉर्ट है विस्तारा बाय द लेक, नाम में ही बाय द लेक लगाया हुआ है,
तो ये एडिकल केव्स से बहुत नज़दीक में है। एडिकल केव्स यहाँ से आई थिंक 6-8 किलोमीटर्स कुछ ऐसे होगा। तो अभी वहाँ होके और उसके बाद फिर सीधा आप बैंगलोर को निकल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में, और मैंने प्रॉपर्टी के ड्रोन शॉट्स डाल ही दिए हैं तो आप देख लेना। सुबह में बहुत बेहतरीन मौसम था, पूरा फॉग था और फॉग के बीच में ड्रोन उड़ाने में जो मज़ा आया। Together we could chase the sun.